किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर दी धमकी, केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज से यूपी के सभी टोल प्लाजा पर शुरू किया गया। मुजफ्फरनगर के छपार टोल पर किसानों ने शुरू किया धरना, आज से यूपी के सभी टोल प्लाजा पर धरने का किया गया ऐलान। सागर हत्याकांड में सुशील कुमार के एक और साथी रोहित करोर गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, कई दिनों से थी तलाश। वारदात वाले दिन सुशील कुमार के साथ मौजूद था रोहित, वीडियो में वीरेंद्र और रोहित सागर पर हमला करते दिखे। दिल्ली पुलिस को कुछ और लोगों की तलाश में जुटी है पुलिस, अब तक सुशील कुमार समेत 8 की हो चुकी है गिरफ्तारी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुशील झूठे बयान दे रहा, बयान में सुशील कुमार ने कहा मैंने सागर धनखड़ को नहीं मारा। सूत्रों के मुताबिक बयान में सुशील कुमार ने कहा पहलवानों के दो ग्रुप आपस में लड़ रहे थे, मैं पहलवानों के एक ग्रुप को समझाने गया था। सागर धनखड़ की पिटाई का वीडियो वायरल, तस्वीरों में हाथ में डंडा लिए नजर आ रहा रेसलर सुशील कुमार, जमीन पर पड़ा है सागर। पहलवान सुशील कुमार पूरी तरह बेनकाब, हाथ में डंडा लेकर सागर धनखड़ पर हमला करते आया नजर, छत्रसाल स्टेडियम के अंदर का है वीडियो। सुशील की मां की याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई, मीडिया ट्रायल रोकने की याचिका पर सुनवाई। मेहुल चौकसी के भारत आने पर असमंजस गहराया, पूर्वी खेरोबियाई सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, चौकसी के वकील ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा प्रत्यर्पण पर लग सकती है रोक। भगोड़े कारोबारी मेहुल को एंटीगुआ ही भेजेगा डोमिनिका, इससे पहले डोमिनिका ने चौकसी को बताया भारतीय नागरिक। नारदा केस में टीएमसी नेताओं की जमानत पर कलकत्ता हाईकोर्ट में आज सुनवाई, दोपहर 12 बजे से होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग बुझाने के लिए सेना की ली गई मदद। पीएम मोदी ओडिशा और पश्चिम बंगाल का आज करेंगे दौरा, यास तूफान में हुए नुकसान का लेंगे जायजा। पीएम मोदी सबसे पहले भुवनेश्वर जाएंगे और फिर बालासोर, भद्रक, पूर्व मेदिनीपुर में प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। पीएम मोदी के साथ बैठक में आज शिरकत करेंगी सीएम ममता बनर्जी, पश्चिमी मिदनापुर में यास तूफान से हुई तबाही को लेकर करेंगी मीटिंग। पीएम मोदी ने वीर सावरकर की जयंती पर उन्हें किया नमन, ट्वीट कर लिखा महान सेनानी और राष्ट्रभक्त वीर सावरकर को कोटि कोटि नमन। वीर सावरकर की जयंती पर सीएम योगी ने भी दी श्रद्धांजलि, लिखा वीर सावरकर को नमन श्रद्धांजलि। राजस्थान के भरतपुर से बीजेपी सांसद रंजीता कोहली पर हमला, बीजेपी सांसद की गाड़ी पर हुआ पथराव। भरतपुर में स्वास्थ्य केंद्र का दौरा कर घर लौट रही थी बीजेपी सांसद, पूरे मामले में पुलिस ने मामला किया दर्ज। लाल किला हिंसा मामले में पुलिस से दाखिल की चार्जशीट, आज 30,000 कोर्ट में होगी सुनवाई। संगरूर के महिला चौक से लखा सिधाना ने की अभियान की शुरुआत, राह ताकती रही दिल्ली पुलिस, लाल किला हिंसा मामले में 1,00,000 का इनामी है लखा सिधाना। झारखंड के साहिबगंज में अभी भी यास चक्रवात का असर, लगातार हो रही तेज बारिश से शहर में जगह जगह जल जमाव, अस्पताल के अंदर भी भरा पानी। झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में आज भी रहेगा चक्रवाती तूफान यास का असर, 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। बिहार के समस्तीपुर में 24 घंटे से तेज हवा के साथ रुक रुक कर लगातार हो रही है बारिश, तेज हवा के चलते बिजली सप्लाई बाधित। कोरोना काल में भारत के लिए अच्छी खबर, भारत में जल्द आएगा कोरोना के 99% खात्मे वाला नेजल स्प्रे। कनाडा की कंपनी सेनोटाइज ने किया दावा 99.99% कोरोना वायरस को खत्म कर देगा नाक में डालने वाला स्प्रे। कंपनी का दावा, भारत जैसे बड़े आबादी वाले देश में केवल वैक्सीनेशन से नहीं मिलेगी मदद, हम जल्द इसे भारत में लॉन्च करेंगे। दिल्ली में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का कहर जारी, बीते 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 153 नए केस, जबकि राजधानी में अब तक 773 मामले आए सामने। दिल्ली में भी ब्लैक फंगस महामारी घोषित, उपराज्यपाल ने किया ऐलान। दिल्ली में कोरोना के 1,072 नए मामले आए सामने, वहीं 117 लोगों की गई जान, बीते 24 घंटे में 3,725 लोग हुए ठीक और पॉजिटिविटी रेट हुई 1.53%। दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर आज सुबह 11:30 बजे डीडीएमए की बैठक, एलजी और सीएम भी होंगे शामिल। देश में जल्द खत्म होगा स्पुतनिक वैक्सीन का इंतजार, जून के तीसरे हफ्ते से लगेगी रूसी टीका स्पुतनिक, सिर्फ निजी अस्पताल में मिलेगी स्पुतनिक वी। अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर,
कोरोना के खिलाफ जंग में भारत अमेरिका की मजबूत साझेदारी को बताया जरूरी। वैक्सीन पर क्वाड देशों के बीच भी होगी चर्चा। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का विवादित बयान, राक्षसों से की एलोपैथिक डॉक्टरों की तुलना, 10 रुपए की गोली 100 रुपए में बेचने वाले बाबा रामदेव को दे रहे ज्ञान। कोविड रोकथाम के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की योगी सरकार की तारीफ, टेस्ट ट्रीट ट्रेस फॉर्मूले को सराहा, 5 और जिलों की मांगी रिपोर्ट। आज नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों से संवाद करेंगे सीएम योगी, ग्रामीण विकास और कोरोना से निपटने पर होगी चर्चा, 58,176 ग्राम प्रधान वर्चुअली जुड़ेंगे। यूपी में कोरोना से मौत के आंकड़ों की कांग्रेस करेगी जांच, प्रियंका गांधी के निर्देश पर सलमान खुर्शीद की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन। उत्तराखंड में मिले कोरोना के 2,146 नए मरीज, बीते 24 घंटे में 81 लोगों की हुई मौत, राज्य में 39,177 कोरोना के एक्टिव केस। वाराणसी में कोरोना से जुड़ा हैरान करने वाला मामला, नवजात बच्ची कोरोना पॉजिटिव जबकि मां निगेटिव, बीएचयू के जीन वैज्ञानिक का दावा, इससे पहले सिर्फ अमेरिका में सामने आया ऐसा केस। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कैंपस में कोविड 19 से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान, वैक्सीनेशन कराने की अपील को लेकर लगाए गए बैनर और पोस्टर। 12वीं के एग्जाम रद्द करने की मांग की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, कोरोना संकट के बीच 10वीं के एग्जाम पहले ही रद्द हो चुके हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 21,273 नए केस आए सामने, जबकि 425 लोगों की गई जान। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,266 नए मामले आए, वहीं 36 लोगों ने जान गंवा दी। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,046 नए केस, जबकि 148 मरीजों की गई जान। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,166 नए केस आए सामने, 181 मरीजों की हुई मौत। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 16,167 नए केस, जबकि 104 मरीजों की गई जान। गोवा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,504 नए केस, जबकि 39 मरीजों की मौत। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,914 नए केस, जबकि 178 मरीजों की गई जान। पंजाब में 10 जून तक बड़ी कोविड पाबंदियां, कई क्षेत्र में राहत भी दी गई, निजी वाहनों में सवारियां बिठाने पर लगी लिमिट हटी। कोरोना टेस्ट के एक समान दाम तय करने के आदेश, हाईकोर्ट ने पंजाब हरियाणा और यूटी चंडीगढ़ प्रशासन को दिए निर्देश। पंजाब के मुख्यमंत्री से नेता विपक्ष हरपाल चीमा की डिमांड, कोरोना काल में आर्थिक तंगी झेल रहे छोटे कारोबारियों को दी जाए राहत। हिमाचल में जल्द कोरोना कर्फ्यू में मिल सकती है राहत, सीएम जयराम ठाकुर का बयान, मृत्यु दर में गिरावट आने पर 1 जून के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकते हैं बाजार। हरियाणा में ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में बढ़ाई जाएगी बेड्स की संख्या, 20 से 75 किए जाएंगे बेड, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिए निर्देश। एमपी में 2,000 के नीचे पहुंचे नए संक्रमितों के आंकड़े, बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 1977 मरीज, 70 की गई जान। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर रैकेट की जांच तेज, पुलिस ने सरबजीत और उसके बेटे हरकरण को आमने सामने बैठा करके पूछताछ, आरोपियों ने कबूली इंजेक्शन नष्ट करने और बिल बदलने की बात। एमपी के जबलपुर में अब क्रीम फंगस की दस्तक, पीड़ित शख्स का जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। कुछ दिन पहले एमपी के जबलपुर में मिला था व्हाइट फंगस, मध्य प्रदेश में फंगस के 1,050 से ज्यादा मामले। बिलासपुर में कई दिनों बाद शराब दुकान अनलॉक होते ही खुशी से झूम उठा युवक, शराब टेकी की आरती उतार कर की पूजा, बीजेपी का वार, शराबबंदी का वादा करने वाली सरकार कर रही है नशे का व्यापार। राजस्थान में कोरोना में मौत से आंकड़ा हुआ कम, बीते 24 घंटे में 85 कोरोना संक्रमितों की हुई मौत, 3,454 नए पॉजिटिव केस आए सामने। कोरोना काल को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, मंत्रिपरिषद ने 1 महीने के मूल वेतन की कटौती का लिया फैसला। बीकानेर में ब्लैक फंगस हुआ जानलेवा, पीबीएम अस्पताल में अब तक 3 लोगों की हुई मौत, करीब 18 मरीजों का चल रहा इलाज। बारां जिले में कोरोना के तीसरी लहर की आहट, अस्पताल में बच्चों के लिए बनाए गए अलग वार्ड, दूसरी लहर में 18 साल से कम उम्र के 1,059 बच्चे हुए कोविड पॉजिटिव। राजस्थान में 11.5 लाख वैक्सीन डोज हुई खराब, चिकित्सा विभाग ने आंकड़ों में किया खुलासा, महज कोटा में 16.71% वैक्सीन हुई वेस्ट। बिहार में कोरोना के लगातार घट रही केस, 24 घंटे में 2,568 नए मामले, 25 जिलों में 100 से भी कम मरीज। योगी मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से सीएम योगी ने की मुलाकात, सरकार ने कहा हुई शिष्टाचार भेंट। उन्नाव सड़क हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को दिए 2 लाख और घायलों को 25,000 के मुआवजे का ऐलान। हॉर्स ट्रेडिंग मामले में पूर्व सीएम रघुवर दास का नाम आने पर भड़की बीजेपी, कहा बदले के तहत की जा रही कार्रवाई, सरयू राय बोले जांच में ही सामने आएगा सच।
दुमका में उत्पाद विभाग ने मारा छापा, 1500 पेटी विदेशी शराब के साथ 35 ड्रम स्प्रिट बरामद, बिहार में खपाने की थी योजना। रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने अकाली दल को दी नसीहत, रणजीत, सुखबीर बादल और विक्रम मजीठिया इस्तीफा दें तो बस सकती है पार्टी, सुखबीर के तानाशाह रवैये के चलते हाशिए पर अकाली दल। एमपी में काम पर लौटेंगे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, स्वास्थ्य मंत्री से मांगे पूरी होने का आश्वासन, मिलने के बाद स्थगित की हड़ताल, सरकार को दिया 15 दिन का अल्टीमेटम। जीएसटी परिषद की बैठक आज, कोविड के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं वैक्सीन पर टैक्स की दर में कमी पर हो सकता है विचार। आज शाम 7 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जीएसटी काउंसिल के फैसलों की देंगी जानकारी। बैंक फ्रॉड के मामले निजी बैंकों में बढ़े, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 और 21 में मामलों में आई कमी। आइकिया ने भारत में शॉपिंग ऐप किया लॉन्च, घर बैठे ऑनलाइन खरीद सकेंगे 7000 से ज्यादा होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स। निजीकरण पर बीपीसीएल का बयान, पेट्रोनेट और आईजीएल में हिस्सेदारी बेचने का कोई इरादा नहीं। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की वाइफ साक्षी का वीडियो हुआ वायरल, वीडियो में धोनी अपने घोड़े चेतक को आई दुलारते नजर। आईपीएल 2021 के बचे मैचों को लेकर इंग्लैंड बोर्ड का ऐलान, जल्द कराए जाएंगे सभी मैच। रोहित शर्मा ने शेयर की पुरानी तस्वीर, किया पुराने दिन को याद, इसमें दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते दिख रहे हैं रोहित। पाक के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने T20 वर्ल्ड कप को लेकर दिया बयान, कहा खिताब की सबसे मजबूत दावेदार इंडिया। भारत में कोरोना के हालात से डर गया था वार्नर का परिवार, ऑस्ट्रेलिया वापस लौटने पर मिली राहत। कोलंबो में शिप में लगी आग पर अब तक काबू नहीं, पिछले 3 दिन से आग बुझाने की कोशिश जारी, भारतीय कोस्ट गार्ड, श्रीलंका के जवान जुटे। इसराइल के फिलिस्तीन इलाकों में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर UNHRC ने दिए जांच के आदेश, भारत में 14 देश रहे मतदान से अलग। दुनिया में नहीं थम रहा कोरोना महामारी का कहर, विश्व में बीते 24 घंटे के दौरान 12,000 से अधिक मरीजों की मौत। पीएम जॉनसन ने पूर्व सहयोगी डोमिनिक कमिंग्स के आरोपों को किया खारिज, कहा विफलताओं के कारण कोविड-19 से भी हजारों मौतें। अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों को तालिबान की धमकी, कहा अमेरिकी फौज को जगह दी तो होगी बड़ी भूल। ट्विटर पर बरसी कंगना रनौत, ये हैं कौन मुट्ठी भर नशेड़ी जो आसानी से खरीदे और बेचे जा सकते हैं। हिना खान ने कहा प्रियंका चोपड़ा ने उनके पिता के निधन पर भेजा था एक शोक संदेश, मुझे लगता है पिता के खोने का गम वो समझती हैं। अभिषेक बच्चन का एक पुराना इंटरव्यू हो रहा वायरल, कहा विवाद होने पर ऐश्वर्या राय और जया बच्चन मिलकर बंगाली में करती हैं बात। ताहिराज भसीन ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, फोटो शेयर कर लिखा हमारे पास एक बेहतर सुरक्षित कल है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई कुणाल कपूर और अमायरा दस्तूर की, कोई जाने ना। कुत्ते और इंसानों के बीच वॉलीबॉल मैच का वीडियो वायरल, कुत्ता इतनी परफेक्टली खेल रहा है मानो कोई ट्रेंड प्लेयर हो। बैरिकेटिंग तोड़ पार्किंग एरिया में घुसी तेज रफ्तार बाइक, दुकान के बाहर खड़ी महिला बाल बाल बची। साइकिल स्कूटर से जंपिंग मैच के दौरान हुआ हादसा, बैलेंस बिगड़ने से सड़क पर औधे मुंह गिरा खिलाड़ी। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पड़ी भारी, तेज रफ्तार कार और एम्बुलेंस में हुई जोरदार टक्कर। रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ जबरदस्त हादसा, ट्रेन की चपेट में आए क्रॉसिंग पर खड़े ट्रक के उड़े पर खच्चे। नदी में अचानक आई बाढ़ से बर्बाद हुआ पर्यटन स्थल, नदी किनारे मस्ती करते लोग आए लहरों की चपेट में। सीढ़ियों पर युवक को साइकिल से करतबबाजी पड़ी महंगी, रेलिंग में फंस कर मुंह के बल गिरा युवक। और साइकिलिंग के दौरान खिलाड़ी ने दिखाया शानदार कौशल, चलती साइकिल से उतरकर लगाई बैकफ्लिप।